बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। आप ये है कि सबसे पहले तो भाई इंटरनेशनल फ्लाइट के मुताबिक अपडेट आ रखी है सऊदी अरब की, उससे आपको अपडेट कर देता हूं मैं। सबसे पहले तो आप सऊदी अरब की गर्मी देख लें जी, ये देख लें, ये पसीने से देख ले मेरी हालत कैसी हो गई है। मुकेश बंद किया है थोड़ी देर के लिए कि आप भाई साहब वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, आवाज में कोई खलल ना आए। तो गर्मी की ये कंडीशन है इस वक्त सऊदी अरबिया के इलाकों में। तो अभी बात कर लेते हैं न्यूज के ऊपर। सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर मजीद सख्ती है, यानी कि मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं। मैं मजीद सख्ती है पाबंदियों का लफ्ज क्यों बोल रहा हूं भाई, इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से मेरे पाकिस्तानी और इंडियन भाई इन कंट्रीज के थ्रू सऊदी अरबिया में आ रहे थे और लाखों रुपए भी लगा रखे थे। अभी हो क्या रहा है भाई कि इनके ऊपर सऊदी अरबिया ने भी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, जिनमें भाई आप देख सकते हैं यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा भी रखा हूं। सोबिया है, एमिरेट्स है, वियतनाम है, अफगानिस्तान है। इन कंट्रीज से आप सऊदी अरबिया में भी अभी नहीं आ सकते हैं, जैसा कि आपको पता है यहां पर। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको भाई ये भी क्लियर कर दूंगा, जो मेरे भाई इस वक्त अफगानिस्तान या दुबई में बैठे हुए हैं, 14 दिन का क्वारंटाइन वगैरह कर रहे थे, उनके कुछ दिन बाकी हैं या अभी 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 पहुंचे हैं इन ममालक में, तो वो सऊदी अरेबिया में अभी कैसे आ सकेंगे। सऊदी अरेबिया ने तो अपनी फ्लैट्स बंद कर दी हैं, यानी कि कल से भाई रात 11 बजे तक कोई बंदा पहुंच गया तो पहुंच गया, उसके बाद सऊदी अरेबिया में आप नहीं आ सकते। अभी होगा क्या भाई, अभी होगा ये कि जो बंदे वहां पर मुकीम हैं कल तक वो अगर पहुंच गए, यानी कि कल तक अगर किसी की फ्लाइट है तो वो तो आ जाएगा। जो मेरे भाई अफगानिस्तान या दुबई में होंगे, यानी कि उनके अभी कंटाइन वगैरह में दिन पड़े हुए हैं, तो वो तो नहीं आ सकेंगे। उनके तो प्राइस जो उन लोगों ने लाखों रुपए लगाए हुए हैं वो जाया हो जाएंगे, वापस पाकिस्तान चले जाएंगे, फिर इंतजार करेंगे सऊदी अरेबिया की फ्लाइट्स कब ओपन होंगी। तो आप भाइयों के लिए तो मैं यहां पर पहले ये बता दूं, आज ही मुझको एक बंदा ऐसा मिला है जिसके कुछ अजीज भाई 5-5 लाख रुपए देकर किसी एजेंट के थ्रू कीनिया वगैरह या ऐसे 2-3 ममालिक से होकर सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं। मैंने जब उसकी बात सुनी है तो मैं खुद बहुत परेशान हुआ हूँ, यार आवाम का दिमाग नहीं है कि 5 लाख रुपए लगाकर तुम सऊदी अरेबिया आ रहे हो, और यहां पर जो इकामों का मसला चल रहा है वो फिर अलग से है, यानी कि 10-10 हजार रियाल के आपको पता ही इकामे तजदीद हो रहे हैं। लेकिन चलो बात करते हैं न्यूज के मुताबिक। आप भाई अगर अफगानिस्तान में या इस वक्त दुबई में भाई मुकीम हैं तो आपके कुछ दिन भी रहते हैं कंटाइन वगैरह में, तो आप भाई उस एजेंट से राबता कीजिए जिसके थ्रू आप यहां पर आए हैं और वहां से यानी कि अफगानिस्तान या दुबई से सऊदी अरेबिया आ रहे थे। उसको बोलने कि अभी हमारा यानी कि अफगानिस्तान से या दुबई से किसी ऐसे मुल्क में भाई 14 दिन का स्टे डलवाए जिसमें जिसकी इंटरनेशनल फ्लाइट सऊदी अरेबिया ने खोली हुई है, यानी कि आप अफगानिस्तान से या दुबई से भाई उस कंट्री में जाएं, वहां पर 14 दिन की मजीद क्वारंटाइन वगैरह आप करें, अपना पीसीआर टेस्ट वगैरह वहां पर करवाएं और वहां से फिर सऊदी अरेबिया में दाखिल हों। इसका यही एक वाहद हल है, वरना भाई आप पीछे यानी कि पाकिस्तान ही जा सकते हैं और जो आपने लाखों रुपए लगाए हैं वो आपके भाई जाया हो जाएंगे। यही इसका हल।